नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के सरहिंद से आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनाज मंडी में किसान महापंचायत आज। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के सरहिंद से। इस वक्त की बड़ी खबर, महापंचायत में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाबी गायक पप्पू मान, जस बाजवा, कंवर ग्रीवाल शामिल होंगे। आंदोलन की अगली रणनीति पर आज घोषणा हो सकती है। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर। तो इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, आरतियों की भी होगी प्रदेश स्तरीय बैठक और आगे की रणनीति पर आज चर्चा की जाएगी। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों को बता दें, पंजाब के सरहिंद से इस वक्त की बड़ी खबर, अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत। बड़ी खबर इस वक्त की सरहिंद से आ रही है। तो यहां आरतियों की भी होगी प्रदेश स्तरीय बैठक, आज अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां जानकारी दे दें, पंजाब के सरहिंद से इस वक्त की बड़ी खबर, अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत। महापंचायत में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आरतियों की भी आज प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के सरहिंद से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें आपको कि अनाज मंडी में किसान महापंचायत आज। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, महापंचायत में कई बड़े नेता आज शामिल हो रहे हैं। तो आज बता दें आपको कि अनाज मंडी में महापंचायत, पंजाबी गायक पप्पू मान, जस बाजवा और कंवर ग्रीवाल आज शामिल हो रहे हैं। तो यहां बता दें आपको कि आज किसानों को समर्थन देने के लिए ये बड़े नेता और पंजाबी कलाकार शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, पंजाब के सरहिंद से इस वक्त की बड़ी खबर, अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत। महापंचायत में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और इस बीच आंदोलन की अगली रणनीति पर आज घोषणा हो सकती है। तो यहां बता दें आपको कि पंजाब के सरहिंद से इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आज अनाज मंडी में किसान महापंचायत, तो बड़ी खबर इस वक्त की। तमाम दर्शकों को बता दें, महापंचायत में कई बड़े नेता आज शामिल हो सकते हैं। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के परिवार का एक और सदस्य है, पीएम मोदी की इस रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकता है। यहां बता दें आपको कि माना जा रहा है कि तमलुक लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी और पीएम मोदी के साथ मंच पर शामिल हो सकते हैं। और इस बीच रविवार को शुभेंदु अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर के एगरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली में शामिल हुए। तो यहाँ लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो इस बीच 2009 से कांथी लोकसभा के सांसद रहे शिशिर अधिकारी करीब 23 सालों से ममता बनर्जी की पार्टी के साथ थे और टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। तो यहां आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ शिशिर अधिकारी ने अमित शाह की रैली में कहा कि मेरे आत्मसम्मान के लिए एक लड़ाई है, मैं हमेशा एक फाइटर रहा हूँ और आने वाले समय में ऐसा करता रहूंगा। हम फुटपाथ से आए हैं, मैं केवल वही करूंगा जो शुभेंदु कहेगा। तो यहां मैं पूर्वी मिदनापुर के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ूंगा। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी और सामना की संपादक रश्मि ठाकरे कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो यहां फिलहाल होम क्वारंटीन में है रश्मि। तो रश्मि ने 11 मार्च को कोरोना वैक्सीन ली थी और इससे पहले शनिवार को उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी कोरोना संक्रमित पाए गए। यहां आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद मैंने अपनी जांच कराई, जिसके बाद मेरा टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।
मैं अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करने की अपील करता हूं, साथ ही सभी से सतर्कता बरतने का अनुरोध करता हूं। तो यहां कोविड के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। देश में फिलहाल महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। तो 23 मार्च को महाराष्ट्र में 28,699 नए मामले सामने आए। तो इस बीच इसके अलावा 13,165 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका, यानी कि 13,165 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 88.73% है और दूसरी ओर राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 2.12% है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अपनी याचिका में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने अपने तबादले के आदेश को याचिका में चुनौती दी है। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 मार्च को एक याचिका दायर की। तो यहां बता दें आपको कि इस याचिका में सभी आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ उन्होंने अनिल देशमुख के घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर उसकी जांच कराए जाने की मांग की है, ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। वहीं इस बीच एनआईए ने स्पेशल एनआईए कोर्ट को सूचित किया कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एमएचए द्वारा निर्देश दिए हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने केस से संबंधित दस्तावेज अभी तक नहीं सौंपे हैं। उधर सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 24 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। आज डीजल 17 और पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हुआ है। यहां जानकारी दे दें, दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.99 रुपए जबकि डीजल का दाम 81.30 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 97.40 रुपए और डीजल की कीमत 88.42 रुपए प्रति लीटर है। यहाँ बता दें, प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है और सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। तो यहाँ एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। यहाँ बता दें कि डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग खुद हैं, तो यहाँ खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट जुड़ जाती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के विधायी अधिकार प्राप्त हैं और उसके द्वारा लिया गया निर्णय संवैधानिक है। और इस बीच केंद्र ने कहा कि संविधान के 102वें संशोधन ने राज्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची बनाने का अधिकार खत्म नहीं हो सकता। यह केंद्र सरकार की ओर से पेश जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष कहा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा समुदाय के लोगों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देना संवैधानिक है। यहां मेहता ने कहा कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़े गए अनुच्छेद 342A में केंद्र सरकार को SEBC का पता लगाने का अधिकार है। या उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस मसले पर जो राय रखी है उसे केंद्र सरकार का पक्ष समझा जाए। 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 102 संशोधन राज्यों को SEBC के तहत कानून बनाने से वही रोक सकता है, तो यहाँ इसे संवैधानिक बताया गया। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि सोलिसिटर जनरल ने यहाँ ये कहा कि अनुच्छेद 342 संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है, इसके तहत जो प्रावधान किया गया है वो राज्य को SEBC घोषित करने के अधिकार से वंचित नहीं करता। उधर भविष्य निधि कोष यानी PF में कर्मचारी के सालाना 5 लाख रुपए के तक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा। और बता दें, सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज कर मुक्त के संबंध में अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है और इस बीच यह सीमा उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां नियोक्ता की कोष में योगदान नहीं होगा।
तो इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश 2021-22 के बजट में घोषणा की और यहां 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना 2.5 लाख से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगाया जाएगा और इसके लिए गणना में नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया। तो यहां सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी सीमा उन्हें मामलों में लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं। और इस बीच सीतारमण के जवाब के बाद सदन में वित्त विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सीमा पर तनाव और चक्रवात और भूकंप जैसी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भारत मजबूती से उभरा और दुनिया को हमारी क्षमता का एहसास हुआ। तो यह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में पीएम के संबोधन की जानकारी दी। तो यहां मेघवाल ने बताया कि महामारी के अपने अनुभव साझा करते हुए मोदी ने सांसदों से कहा कि महामारी के दौरान देश ने न सिर्फ वायरस की चुनौती का सामना किया बल्कि अन्य मोर्चों पर भी चुनौतियों का सामना किया है। तो यहां पूर्वी लद्दाख में LAC का तनाव था, चक्रवात भूकंप आए, फिर भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद देश में मजबूती से उभरा है। तो यहाँ पीएम ने कहा कि वो 2 दशक से अधिक समय पर सार्वजनिक पद पर हैं, पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के तौर पर, और इस दौरान उन्होंने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। तो यहाँ इस बीच पीएम ने सांसदों को नियमित तौर पर संसद से मौजूद की जरूरत पर जोर देने को कहा। तो यहाँ मोदी ने पाली में पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा ने 90% सीटों पर जीत दर्ज की। उन्होंने सांसदों से कृषि कानूनों के फायदे लोगों को बताने का आह्वान किया। तो यह मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने भी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। यह लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रही ANB न्यूज के साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगाज करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर का रूबरू करवा देते हैं। तो बता दें आपको कि देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। तो यहां बता दें आपको कि कई राज्यों ने सख्ती कर दी है। तो यहां लोगों के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि गुजरात में महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बताया जा रहा है। तो यहाँ लगातार कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो यहाँ बता दें आपको कि कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच मरीजों का जो ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ महाराष्ट्र में लगातार कोरोना ने अपना कहर ढा लिया है। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और गुजरात में महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी कर दी गई है। सभी राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बताया जा रहा है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी और कोरोना की रफ्तार तेज होती दिख रही है।
तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े। राजीव, लगातार कोरोना का कहर जारी है और इस बीच महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से बात करें महाराष्ट्र की, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति डरावनी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही बढ़ती गई है उससे कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति में और ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी सीधे सीधे कहें तो आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी लगातार 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा के आंकड़े आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति दिल्ली सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो लॉकडाउन लगाया गया है, यानी कि अभी नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, तो जिस तरीके से कोशिश की गई है सरकार की तरफ से उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी निरंतर सरकार की तरफ से जनता को जागरूक करने के लिए कोशिश की जा रही है, या तो विज्ञापन के माध्यम से या फिर जागरूकता के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता अभी कहीं ना कहीं इतनी जागरूक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस अंदर हमने लॉकडाउन के समय देखा था कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जनता ने सहयोग दिया था और घरों में रुके थे, मगर आज वो स्थिति नहीं है क्योंकि सब कुछ अनलॉक है और जनता जिस तरीके से बाहर निकल रही है, बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही है, मास्क का यूज नहीं किया जा रहा, तो उससे साफ जाएगा स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। मगर कहीं ना कहीं जनता को अपना योगदान देना होगा सरकार के साथ और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए अपने कदम उठाने होंगे, मगर जनता जब तक जागरूक नहीं होगी और जब तक सहयोग नहीं देगी तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा इजाफा हो सकता है। मगर जिस तरीके से बात करें जनता की जागरूक करने की, तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो और सरकार भी इसके लिए पहल करती नजर आ रही है, इसीलिए वैक्सीनेशन का जो काम है उसको भी बढ़ाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि दिन ब दिन, यानी कि 24 घंटे के अंदर लगभग ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टीकाकरण की प्रक्रिया अपनाए, ताकि जनता तक, हर व्यक्ति तक टीकाकरण की प्रक्रिया पहुंचे और ताकि वायरस से निजात मिल सके या फिर छुटकारा मिल सके। जी 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 राजीव, जैसा कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस बीच आपने बताया कि देश लगातार लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ रहा है, लेकिन अब इतने मामलों के बीच भी सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सरकारों की तरफ से बात करें तो चर्चा है वो मुंबई की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार निरंतर जनता को जागरूक करने के लिए भी कहा जा रहा है, यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा जा रहा है और यहाँ तक की हर तरीके से कोशिश भी की जा रही है। मतलब जिस तरीके से चुनाव प्रचार की बात करें, चाहे वो दिल्ली के चुनाव थे, उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, यहाँ तक की मुंबई के अंदर बाजारों को बिल्कुल खोला गया है, यहाँ तक की उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी जितने भी बाजार हैं और यहाँ तक की अब होली का फेस्टिवल भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रखते भी बाजारों के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक दूसरे से संपर्क जो है वो दूरी के तौर पे बना रहे। मगर जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही है, मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए उसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, चाहे वो अधिकारी के तौर पर हो, जिसकी गाइडलाइन तो बना दी जाती है, जिसमें अधिकारी होते हैं वो फॉलो नहीं करवा पाते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो जनता के बीच में फैलता नजर आता है। जी 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 राजीव, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन इस बीच अब ये बात आगे सामने आ रही है कि लगातार अगर देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएगा तो फिर तो जीवन बिल्कुल रुक सा जाएगा। अगर एक आम आदमी की बात करें तो उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी, अगर बात अगर शिक्षा की करें तो स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो बच्चे आगे पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल इस तरीके से आपने सही कहा कि दुकानें बंद हो जाएंगी, अगर लॉकडाउन की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दुकानें बंद होंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, ऑफिस बंद हो जाएंगे। मगर यहाँ पर समझने वाली बात एक है कि जिस तरीके से हम अगर कोरोना से बचेंगे तो ही हमारा जीवन चलेगा, मगर जिस तरीके से अभी की स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के रोहतक में सबसे व्यस्त बाजारों में से एक गांधी कैंप में मंगलवार शाम एक घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, तो यहां आग की वजह से मकान की पहली और दूसरी मंजिल पर रखा लाखों रुपए का सामान और नकदी जलकर राख हो गया। वहीं दूसरी मंजिल पर किराए पर रह रहे युवक ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई है, तो यहां जिसमें वह घायल हो गया, वहीं आग लगने की सूचना पर अतिक्रमण के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची और करीब 200 मीटर दूर से ही पानी की जो पाइप है वो ले जाकर आग पर काबू पा लिया गया। हां जी, लगभग 6:10 लोगों ने हाहाकार मचाई कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है।
मैं तुरंत बाहर निकला, जब देखा तो आग काफ़ी भयानक थी। मैंने तुरंत उसी समय एम्बुलेंस में और फायर ब्रिगेड में फायर में फ़ोन किया, फ़ोन नहीं करता। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप फटाफट आ जाओ, उन्होंने तुरंत गाड़ी भेज दी। मैंने कहा एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, दो भेजो। तो उन्होंने दो गाड़ियाँ भेज दी और तुरंत इसको काबू पाया गया, एम्बुलेंस भी आ गई। एक मैंने देखा अपनी आंखों से, एक उसमें लड़का जब आग लगे तो वो थोड़ा सा सुझा हुआ था, वो खिड़की से बाहर निकल के शेड पे आया और उसने छलांग लगाई और उसको फिर तुरंत हमने, हमारे भुटियानी साहब हैं, नरेश जी भुटियानी हैं पंजाबी एकता मंच के, वो हालांकि एम्बुलेंस यहाँ आ गई थी पर वो लड़का हमें नहीं मिला। पर बाद में पता लगा वो लाइन के पास खड़ा था। फिर राजू भुटियानी, नरेश भुटियानी जी उनको लेके गए हैं वहाँ पीजीआई में। शुक्र यह है कि जानवर। उधर यूपी में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों को देखते हुए कौशाम्बी पुलिस के अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई जारी है और जिसे लेकर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अभियान के तहत सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में एएसपी और सीओ मछनपुर और सीओ चायल की संयुक्त टीम ने कई स्थानों से अपमिश्रित बिक्री की जा रही है। तो यहाँ अवैध देशी शराब और सिपरेट बरामद की। गौरतलब है कि टीम ने अवैध शराब के साथ जिले के एक बीजेपी नेता समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया है। यहां बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 363 शीशी अवैध शराब और 20 लीटर स्प्रिट और 5 मोबाइल बरामद किए हैं। आज एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो कि जहरीली शराब बनाने का काम करता था और उसे सप्लाई करने का काम करता था। ये अभी तक जो है टोटल 8 लोग इसमें प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि इसका जो गैंग लीडर है वो अजय पटेल करके व्यक्ति है और ये इनका कनेक्शन प्रतापगढ़ से है और इन लोगों ने यहाँ जो एक जहरीली जो नकली शराब है बेसिकली विंडीज़ ब्रांड की, उसको वो लाते थे वहाँ से और उसको अलग अलग लोगों को सप्लाई करते थे, बेचते थे। वैसे सभी लोगों को डेवलप कर लिया गया है इनको और बाकी जिन जिन लोगों को इन लोगों ने बेचा है उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि अब तक की कोई जनहानि होने से पहले हम लोगों ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर लिया है और 363 सीसी ये जो नकली शराब है इसको बरामद कर लिया गया है, 20 लीटर स्पिरिट बरामद कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त होने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन, ये सब हम देखिए। आज कुल 20 लीटर का गैलन हम लोग को स्पिरिट का यहाँ पर पुलिस विभाग को प्राप्त हुआ है। 363 शीशी 200 ml की ये जो शराब है, नकली शराब, ये प्राप्त हुई है और अन्य जो सामग्री फ़ोन और कार इन गैंग के पास से प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 8 अभियुक्त हैं, ये गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा इस गैंग में यदि और भी लोग शामिल हैं तो। यूपी के शामली में दोस्तों के बीच हुए मामले विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ इस बीच बड़ा मामला यहाँ ये सामने आया कि मामूली विवाद में एक दोस्त ने यहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक थाना पुलिस समेत मौके पर पहुंचे तो यहाँ शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और वहीं हत्या के दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। तो यहाँ पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अच्छा राज सिंह जी, क्या हुआ आपके बेटे को? गोली लगा हुआ सामने हमारे कैमरे में दिखा गया, बाकी तो आज था नहीं। अच्छा, उस टाइम कैमरे में देखा, उस टाइम नीटू सामने दिखाई दिया और एक जो दूसरा आदमी था उसका पीछा फिर गया, वो पिछाड़ में नहीं आया। अच्छा, किस बात को लेके गोली चली? नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं। वो कभी कभी हमारे 12 पे भी आता था, बैठता था, हमें बिल्कुल बात पता नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। पहले कोई वाली ना? अच्छा, क्या नाम था जो जिससे गोली लगी है? धीरज कुमार। हाँ, चलो कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, थाना कोतवाली अंतर्गत लाख चौकी क्षेत्र में एक सूचना आई थी जिसमें कि अब पता चला था कि एक व्यक्ति है जिनको गोली लगी है। वो उनको, उनके जो बॉडी थी उनको हॉस्पिटल में लाया गया जहाँ पे उनको पूरा डेड जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब मेरे द्वारा तथा अन्य जो है अधिकारीगण हैं इनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ऐसे फील्ड यूनिट हमारी जितनी भी, उन सबको भी हमने वहाँ पर भिजवाया है। मेरे द्वारा अभी हॉस्पिटल भी आकर देखा गया है और जो अभी बात घर वालों से बात करने पर सामने आई है कि इनके ही मित्र एक थे, वह एक अन्य व्यक्ति, इन दोनों ने मिलकर ये घटना कारित करी है।
अभी घर वालों से बात करके तहरीर ली जा रही है, FIR दर्ज कराकर अनावश्यक कार्रवाई की जाए। क्या सर चुनाव की रंजिश के लिए, क्योंकि नहीं ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, ये दोनों एक दूसरे के परिचित थे और आज किसी बात पर इनका विवाद हुआ है, क्या विवाद हुआ एग्जैक्टली ये अभी पता करने का विषय है और उसी के क्रम में ये घटना हुई है। सर कितना, चलिए आगाज कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग को सौंपी गई 30 स्टार प्रचारकों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। तो यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के एस अलागिरी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं इसमें शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, चुनाव आयोग को सौंपी गई 30 स्टार प्रचारकों की सूची। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। तो यहाँ सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं की सूची में नाम शामिल है। तो यहाँ आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जारी कर दी है सूची और बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग को सौंपी गई है 30 स्टार प्रचारकों की सूची। यहाँ कई बड़े नेताओं की सूची में नाम शामिल हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर, यहाँ बता दें आपको कि एस अलागिरी और मल्लिकार्जुन, और इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस ने जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की सूची, चुनाव आयोग को सौंपी गई है 30 स्टार प्रचारकों की सूची। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताएं शामिल हैं इसमें। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से, इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस ने जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की सूची, चुनाव आयोग को सौंपी गई है 30 स्टार प्रचारकों की सूची। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।